गुरुवार को जिले के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने सर्किट हाउस में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की और जिले में विकास कार्यों एवं 14 नवंबर को होने वाले सामूहिक विवाह की तैयारियों तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में चर्चा की। सर्किट हाउस पहुंचने पर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री का भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। तत्पश्चात प्रभारी मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इसके बाद प्रभारी मंत्री ने भाजपा के पदाधिकारियों के साथ बैठक किया और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में भाजपा के जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के बाद गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा, अपन आराम से सब लोग पहना ले। अध्यक्ष नहीं मानते हैं। चलो सगीर भाई हमारे करता है अभी लोग क्या हो रहे कार्यकर्ता बंधु, हम सब के लिए सौभाग्य का विषय। स्वभाव के कारण कार्यकर्ताओं में अति लोकप्रिय श्री रमापति शास्त्री जी आज हम सबके बीच में हैं। समाज के किसी वर्ग से आपका कोई दायित्व है तो वह दायित्व जरूर बताएंगे। श्री सागर तिवारी, क्षेत्रीय कार्यालय मंत्री। दीपक कुमार, प्रदेश कार्यालय सदस्य अंशु मोर्चा। और साथी दो तीन सदस्य और साथी प्रबंधन कमेटी से भी मदरसा इस्लामिया याउल उलूम, साथ में सटा हुआ मस्जिद कब्रस्तान हुए अध्यक्ष। तेरा महोदय जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। मोहम्मद अबीर खान एडवोकेट, रोली मस्जिद नया जनकपुर। और मोर्चा पर विश्वास शंकर निशान नगर पंचायत अध्यक्ष हूँ मैं। जिसमेरा प्रधान अजमेर आलम मानव अध्यक्ष की बैठे के ग्यारह सब जी सर, अगली बार आएंगे तो आगे बैठे करेंगे। ठीक है सर। सर अजमेर आलम महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अपनी के मौके पर और सामाजिक कार्यकर्ता है। अफरोज आलम अफसे मुर्तजा जिला मंत्री। अस्पताल जंगल बहादुर जिला महामंत्री। मुकेश चंद्र वर्मा, जिला कार्यकारिणी सदस्य बीजेपी और प्रधान संगठन के प्रदेश महामंत्री मोर्चा सदस्य। अविनाश शुक्ल, महाराष्ट्र किसान मोर्चा। हम आते हैं यहाँ के प्रभारी हैं और प्रभारी के नाते जब आते हैं तो कार्यकर्ताओं से मिलते हैं साथ पत्र भाई। क्या परेशानी है? ऐसे ही मिलते हैं, फिर मिलते रहेंगे जब तक रहेंगे यहाँ। आप सबसे भी मिलते रहेंगे। आप सबसे भी आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम काम किया है उसको आगे बढ़ाइए। सबके बाद तहरीर और स्मार्ट सिटी बनाने का गोरखपुर को जो योजना है हम लोग उसमें लगे हैं। 14 नवंबर को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 75 जिले में सामूहिक विवाह माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का व्यवस्था बने। 21,000 शादी उत्तर प्रदेश में हम एक साथ करेंगे।